हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेविकाओं ने औषधीय पौधे लगाए तथा वस्त्र वितरण किए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से रोही के NSS की सेविकाओं ने औषधीय पौधे लगाए तथा वस्त्र खाद्य सामग्री भी वितरित किए। प्रधानाचार्य श्रीमती हीरा खत्री एवं NSS प्रभारी श्रीमती वर्षा त्रिवेदी ने बताया कि NSS की 50 सेविकाओं के माध्यम से पिछड़ी बस्तियों में वस्त्र वितरण करवाया गया। विद्यालय के व्यवस्था सहयोगी तथा विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन के प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख गोपाल सिंह राव तथा वृक्षारोपण प्रभारी देवीलाल के सहयोग से NSS की सेविकाओं ने विद्यालय परिसर में औषधीय पौधे एलोवेरा, नीम, गिलोय, तुलसी, काल मेघ, परिजात लगाए। विद्यालय में एक ही दिन में 300 औषधीय पौधों को चिंतित स्थानों पर लगवाया। विद्यालय की 50 सेविकाओं को 5 पौधे विद्यालय परिसर से बाहर अपनी पसंदीदा चिंतित जगह पर लगाने के लिए लक्ष्य दिया। उनके संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी भी सौंपी। सेविकाओं को पेड़ पौधे वन जंगल की उपयोगिता गोपाल सिंह राव ने बताते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेकों ने कार्य करने की नसीहत दी। जैव पारिस्थितिक तंत्र को बचाना तथा पर्यावरण संरक्षण करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। NSS प्रभारी श्रीमती वर्षा त्रिवेदी ने सहयोग हेतु आभार जताया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए श्रीमती वर्षा त्रिवेदी NSS प्रभारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, इन्होंने ये कहा। एक यूनिट के अंदर 50 लड़कियां जो है वो स्वयं सेविका का कार्य करती है। हमारे विद्यालय के अंदर 50 स्वयं सेविकाओं के साथ में तथा विद्यालय स्टाफ के साथ में औषधीय पौधे लगाए गए एवं 50 सेविकाओं में 5 दल बनाए, जिसमें से प्रत्येक सेविका को 5-5 औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।